बिहार में शराब बंद है या नहीं? बिहार के बाहर के लोगों को तो फिलहाल यही पता है कि शराबबंदी का नियम यहाँ बड़े ही सख्ती से लागू है, लेकिन अब बिहार में शराब मिलती है कि नहीं वो तो यहाँ के रहने वाले शराबियों से ही जाना जा सकता है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वे शराबबंदी के बाद भी न जाने किस जुगाड़ से शराब उपलब्ध करा भी ले रहे हैं और खुल के उसका सेवन भी कर रहे हैं, तो फिर इससे बढ़िया और कौन बता पाएगा। शराबबंदी के बाद भी शराब बिहार में चल रहा है, ऐसा इसलिए कह पा रही क्योंकि शराब के कारण हो रहे अपराध अभी भी जारी है। रोज किसी न किसी जिले, गांव, कस्बे और शहर से शराब से जुड़ी कोई न कोई घटना सामने आ ही जाती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब ये जहरीली शराब का बिहार में मिलना ये तो है बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक तरफ शराब बंद होने पर शराबी इधर उधर से शराब का जुगाड़ लगा ले रहे हैं और ऐसे में जहरीली शराब से मौत की खबर सुनकर शराबियों द्वारा जुगाड़ लगाकर लाई गई बगल में रखी शराब पर एक बार संदेह तो होगा ही। जहरीली शराब से हुई मौत का यह पूरा मामला है बिहार के वैशाली का। यहाँ पर सरकारी स्कूल में हो रही दारू पार्टी के बाद 7 लोग बीमार पड़ गए हैं, 5 अस्पताल में भर्ती है और जहरीली शराब के कारण 2 लोगों की मौत भी हो गई है। घटना है मंगलवार की। आरोप है कि वैशाली जिले में राघोपुर के ही एक सरकारी स्कूल में 10 लोगों ने पार्टी की, जो पार्टी इन लोगों के जान पर आ बनी। 7 लोग तो गंभीर हालत में अस्पताल में अभी भर्ती है और 2 लोगों की जान जा चुकी है। इन 2 लोगों के नाम राम नारायण राम और दूसरे का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है। 5 लोगों को गंभीर हालत में पटना के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गांव वाले काफी गुस्से में हैं। उनका गुस्सा शराब पीने वालों पर नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन पर है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस संरक्षण में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। फिलहाल मौत का कारण साफ तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही जांच पूरी होती है पुलिस इस पर साफ तौर पर बता पाएगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि शराब पीने से मौत कैसे हो जाती है? तो मिथाइल के शरीर में जाते ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि काफी तेज होता है। इससे शरीर की अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से कई बार तुरंत ही मौत हो जाती है। शराब उपभोक्ता में भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत शराब का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शराब पर इतने कंट्रोल के बावजूद भी भारत दुनिया में शराब का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता मालूम पड़ता है। इस मामले में चीन सबसे आगे है। लंदन स्थित रिसर्च फर्म IWSR ड्रिंक्स मार्केट एनालिसिस के अध्ययन के अनुसार इस बात का पता चला है कि भारत में कुल 66.3 करोड़ लीटर अल्कोहल पिया जाता है। 2017 के मुकाबले यह मात्रा 11% ज्यादा है। इसके अलावा देश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में इसका इजाफा हो रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विस्की पीने वाला देश है। भारतीय लोग अमेरिकी के मुकाबले हर साल 3 गुना ज्यादा विस्की घटक जाते हैं। अमेरिका विस्की का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब बात करते हैं शराबबंदी के बाद बिहार में क्या असर हुआ है। राज्य में लागू शराबबंदी कानून के बाद अब शराब पीने और बेचने वाले को मिलाकर कुल 3 करोड़ के लगभग का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसमें शराब पीने वालों से 1,33,00,000 का जुर्माना वसूला गया है, जबकि शराब बेचने वाले से 1,51,04,000 रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला जा चुका है। वहीं शराब पीने वाले 195 लोगों को और शराब बेचने वाले कुल 131 लोगों को सजा भी सुनाई जा चुकी है। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी पर क्या कहना है। बिहार में अप्रैल 2016 से ही शराब बंद हो गई थी और इसके परिणाम को लेकर के जब नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि सकारात्मक असर देखने को मिला है उनके इस निर्णय का। इसका परिणाम देखते हुए अन्य राज्य भी इसे जल्द ही लागू करने की जरूरत महसूस करेंगे। नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया था कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो उन्होंने इस बात को इनकार न करते हुए इस पर सहमति जाहिर की थी और अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर व्यापक स्तर पर शराबबंदी के असर का विश्लेषण करें तो असर सकारात्मक ही दिखेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी माना कि पुलिस कर्मियों को भी अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त पाया गया है, लेकिन जब भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है तो सरकार ने कठोर से कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने शराबबंदी के बाद 1,00,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में कहा है कि जब बिहार के जेलों की क्षमता ही 38,000 है तो 1,00,000 से अधिक लोगों को जेल में कैसे ठूस सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे जनता जंक्शन।